थलपति विजय और थला अजीत कुमार कॉलीवुड का बड़े सुपरस्टार है और दोनों का स्टारडम पावर काफी ऊंचाई पर है। और 2011 से शुरू करके अभी तक की हर साल विजय और अजीत का फिल्म का तमिलनाडु फर्स्ट डे कंपैरिजन के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों दोनों में फर्स्ट डे पे कौन किया है बाजीमात, जानने के लिए शो सेंटर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। साल 2011 मनकथा वर्सेस वेलायुधम। पहले बात करती हूँ थला अजीत का फिल्म मनकथा को लेकर, जहाँ पर इसमें मुंबई का क्रिकेट बेटिंग से जुड़कर कहानी को दिखाई है। और उस वक्त ये फिल्म तमिल का सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रहा। और फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करूँ तो ये फिल्म नॉन फेस्टिवल रिलीज था और जिसका फर्स्ट डे पर 6 करोड़ कलेक्शन आया था और ये था नॉन रजनीकांत रिकॉर्ड। दूसरी तरफ उसी साल विजय की फिल्म आई वेलायुधम। इसमें वेलु का सुपर हीरो बनने का स्टोरी को दिखाई है, जहाँ पर यह फिल्म दिवाली पर रिलीज हुआ था, पर इस फिल्म को बराबर टक्कर देना पड़ा मारा सूर्या का फिल्म आई एम आरव्यू के साथ। और वेलायुधम का फर्स्ट डे पर कलेक्शन आया 4 करोड़ और जो रहा सुपर हिट। और अतः दोस्तों उसी साल विजय का दूसरा फिल्म आई कावालन, जहाँ पर विजय को बॉडीगार्ड के रोल में नजर आई है। और इसी फिल्म के साथ भी विजय को बराबर टक्कर देना पड़ा कार्तिक का फिल्म सिरुथाई और धनुष राजा का फिल्म आदु कलाम के साथ। और इस फिल्म का तमिलनाडु पर फर्स्ट डे कलेक्शन आया था 5 करोड़ और जो रहा हिट। ऐसे करके साल 2011 में थला अजीत विनर साबित थी। साल 2012 बिल्ला वर्सेस नानबान वर्सेस थुपक्की। पहले बात करते हुए बिल्ला 2 को लेकर, जहाँ पर इस फिल्म पे ज्यादा वायलेंस रहने की वजह से इस फिल्म को मिला था ए सर्टिफिकेट, यानी कि 18 प्लस बिना इस फिल्म को किसी ने नहीं देख पाएगा। और अगर फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करूँ तो वर्किंग डेज पर रिलीज होकर इसका कलेक्शन आई है 10 करोड़ 45 लाख और जो था उस वक्त का नॉन रजनी रिकॉर्ड। पर यह फिल्म फाइनली रहा फ्लॉप। दूसरी तरफ इसी साल विजय का फिल्म आई नानबान, जो था बॉलीवुड 3 डेट्स का रिमेक और इसमें विजय को एक स्टूडेंट के रोल में नजर आई है। और नानबान फिल्म का फर्स्ट डे पर कलेक्शन आई है 6 करोड़ 90 लाख और जो था पोंगल रिलीज। और बता दोस्तों उसी साल विजय का दूसरा फिल्म आई थुपक्की, जहाँ पर विजय को एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर था और जो था फेस्टिवल रिलीज। ऐसे करके थुपक्की तमिलनाडु पर फर्स्ट डे कलेक्शन किया है 9 करोड़ 30 लाख और फर्स्ट डे कलेक्शन के हिसाब से इसी साल थला अजीत कुमार विनर साबित थी। साल 2013 थलाइवा वर्सेस आरामबाम। पहले बात करती हूँ अजीत का फिल्म आरामबाम को लेकर, इसमें अजीत को एक ऑनेस्ट ऑफिसर अशोक के रोल में नजर था। ये फिल्म तमिलनाडु पर फर्स्ट कलेक्शन किया है 8 करोड़ 70 लाख और फाइनल वर्डिक्ट रहा सुपरहिट। दूसरी तरफ उसी साल थलपति विजय का फिल्म आई थलाइवा। इस फिल्म का रिलीज को लेकर उस वक्त काफी दिक्कत हुआ था, जहां पर सारे वर्ल्ड वाइड पर रिलीज होने के बाद जाकर तमिलनाडु पर रिलीज हुआ था विजय का ये फिल्म। और ये फिल्म फर्स्ट डे पर कलेक्शन किया है तमिलनाडु पर 5 करोड़ और इस साल मैं किसी को विनर नहीं अनाउंस करूंगी, क्योंकि विजय ने इसी साल अपनी फिल्म को लेकर प्रॉब्लम फेस किया था। साल 2014 विरम वर्सेस जिल्ला वर्सेस कत्थी। पहले बात करती हूँ थला अजीत का फिल्म विरम को लेकर, और ये फिल्म अपने फर्स्ट डे पर कलेक्शन किया था 8 करोड़ समथिंग। दूसरी तरफ विजय का फिल्म आई जिल्ला और विजय का इसी फिल्म का फर्स्ट डे पर कलेक्शन आया था अजीत का फिल्म की तरह 8 करोड़ समथिंग और 2014 का इस राउंड तक ड्रॉ हुआ है। पर बाद में विजय ने अपने दूसरे फिल्म को लेकर आया था और जो था कत्थी, जहाँ पर इसमें विजय ने डबल रोल प्ले किया है और जहाँ पर यह फिल्म दिवाली रिलीज था। ऐसे करके कत्थी फर्स्ट डे पर कलेक्शन किया था 12 करोड़। ऐसे करके एंथियन का रिकॉर्ड तोड़कर ऑल टाइम रिकॉर्ड किया है ये फिल्म। और इसी हिसाब से साल 2014 में थलपति विजय विनर साबित थी। साल 2015 इन्ना यारिन धल वर्सेस वेदालम वर्सेस पुली। पहले बात करती हूँ थला अजीत का फिल्म इन्ना यारिन धल को लेकर, जहाँ पर इसमें अजीत को एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आई है। और ये फिल्म एक ऑड टाइम पर रिलीज हुआ था, जहाँ पर उस वक्त कोई फेस्टिवल नहीं था। इस फिल्म का फर्स्ट डे पर कलेक्शन आया था 11 करोड़ 30 लाख और फाइनल वर्डिक्ट रहा सुपर हिट। दूसरी तरफ थला अजीत का दूसरा फिल्म रिलीज हुआ वेदालम, जहाँ पर थला अजीत ने इस फिल्म पर अपने कैरियर में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। और बता दोस्तों ये फिल्म फेस्टिवल यानी कि दिवाली पर रिलीज हुआ है, इसका फर्स्ट डे पर कलेक्शन आया था 15 करोड़ और ऐसा करके ये फिल्म रहा तमिल का फर्स्ट फिल्म जो 15 करोड़ ओपनिंग देकर ऑल टाइम रिकॉर्ड किया था। और इसी साल थलपति विजय का फिल्म आई पुली और ये फिल्म रिलीज हुआ था नॉन फेस्टिवल पर। बता दोस्तों पुली का फर्स्ट डे पर कलेक्शन आया था 10 करोड़ 70 लाख। ऐसे करके इसी साल थला अजीत कुमार विनर साबित थे। साल 2016 थेरी। साल 2017
वैरावा वर्सेस विवेकाम वर्सेस मार्शल। पहले बात करती हूँ थलाजित का फिल्म विवेकाम को लेकर, जहाँ पर यह फिल्म नॉन फेस्टिवल पर रिलीज हुआ था और इसका फर्स्ट पर कलेक्शन आया था 16 करोड़ 30 लाख और जो उस वक्त का नॉन रजनी रिकॉर्ड है। इसी साल थलापति विजय का फिल्म आई वैरावा। यह फिल्म पोंगल पर रिलीज हुआ था और इसका फर्स्ट पर कलेक्शन आया था 12 करोड़ 90 लाख। और अभी बात करती हूँ इसी साल का सेकेंड राउंड को लेकर, जहाँ पर इस बार और एक बार थलापति विजय ने अपनी फिल्म को लेकर आई मार्शल। और ये फिल्म दिवाली पर रिलीज हुआ था और मार्शल का फर्स्ट पर कलेक्शन आया 25 करोड़ और जो उस वक्त का ऑल टाइम रिकॉर्ड था। ऐसे करके थलापति विजय ने वीना साबित थी। साल 2018 सरकार। साल 2019 विश्वासम वर्सेस बिगिल। पहले बात करती हूँ थलाजित का फिल्म विश्वासम को लेकर। ये फिल्म पोंगल फेस्टिवल पर रिलीज हुआ था पर इस फिल्म को बराबर टक्कर देना पड़ा थलाइवे रजनीकांत का फिल्म पेट्टा के साथ। फिर भी विश्वासम का फर्स्ट पर कलेक्शन आया था 16 करोड़ 70 लाख। दूसरी तरफ इसी साल थलाजित का दूसरा फिल्म आई नेरकोंडा परवाई और ये फिल्म नॉन फेस्टिवल पर रिलीज हुआ था, जहाँ पर इसका फर्स्ट कलेक्शन था 14 करोड़ 80 लाख। अभी बात करती हूँ सेकेंड राउंड को लेकर, और साल थलापति विजय का फिल्म आई बिगिल। इस फिल्म को कार्थिक का फिल्म कायथी के साथ एक बराबर टक्कर देना पड़ा और ये फिल्म दिवाली का फेस्टिवल पर रिलीज हुआ था और इसका फर्स्ट पर कलेक्शन रहा 24 करोड़। ऐसे करके थलापति विजय ने इस साल रहा विनर। साल 2020 इसी साल थलापति विजय और अजीत का कोई फिल्म में रिलीज नहीं हुआ था। साल 2021 मास्टर। साल 2022 फर्स्ट राउंड और इस राउंड पर एक तरफ है वलीमाई वर्सेस दूसरी तरफ बेस्ट। पहले बात करती हूँ थलाजित का फिल्म वलीमाई को लेकर, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि रिसेंट रिलीज हुआ है और इसमें थलाजित को वन मैन आर्मी के रोल में नजर है और याजित के कैरियर में रहा फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कंपेयर भी की जा रही है। और अभी बात करते हैं वलीमाई का फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, जिसका कलेक्शन आई है 35 करोड़ और जो थलाजित के कैरियर में एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ इसी साल रिलीज हो रही है थलापति विजय की फिल्म बेस्ट, जो पैन इंडिया में रिलीज होगा और जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि ये फिल्म मोस्ट हाइप वाला फिल्म है। और बता दोस्तों, ये रिलीज होगा 14 अप्रैल 2022 में। तो सबको क्या लगता है, क्या अजीत का वलीमाई का फर्स्ट डे को बीस्ट का फर्स्ट डे कलेक्शन तोड़ पाएगा या नहीं, कमेंट पे बताइएगा। अभी बात करती हूँ 2022 का सेकेंड राउंड को लेकर, थला 61 वर्सेस थलापति 66। पहले बात करती हूँ अजीत कुमार का फिल्म AK-61 को लेकर, तो इसमें उन्होंने एक नेगेटिव रोल प्ले करी है और जो रिलीज होगा दिवाली 2022 में। दूसरी तरफ दिवाली पर ही रिलीज हो रही है थलापति विजय का फिल्म 66 और जो होगा एक्शन मास एलिमेंट और अच्छे गाना का एक कॉम्बो पैक। तो सबको क्या लगता है, इसी 2022 का दिवाली क्लैश पे अजीत वर्सेस विजय दोनों के बीच में कौन ब्लॉकबस्टर ओपनिंग कलेक्शन देगा? और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और बॉलीवुड साथ ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।